Bismillahirrahmanirrahim. After having a look on classification of phylum Craniata, now we are going to discuss the classes of phylum Vertebrata. So the classes of classes of phylum Vertebrata, that is Petromyzontida and then Gnathostomata. So as we have discussed in our last lecture that Petromyzontida, that was the previous name for this class was Petromyzontimorpha. It includes lampreys. The word Petromyzontida has been derived from petra rock, myzo mean circle, and ontos mean teeth. These animals are the common inhabitants of marine and freshwater environment, especially in temperate regions. And most of the adult lampreys, in their feeding habit, they feed upon other fishes and other larvae, and they are also filter feeders. Their mouth, as we have seen in last lecture, the mouth of an adult is like sucker and surrounded by lips, in which there are sensory and attachment or functions are performed. Then numerous epidermal tissues which are present inside the mouth, and a movable tongue like structure is also present. Now how it attaches itself to its prey. So adult attaches to its prey with their lips and teeth and their tongues to rasp away scales. रेस्प का मतलब होता है कि जैसे किसी चीज़ को रेगमार से साफ़ कर दिया जाए, तो ये अपना माउथ का जो प्रिटिस है उसको यूज़ करके अपने प्री के स्केल्स को उतार देते हैं. देन लैम्प्रीज हैव स्लाइवरी ग्लैंड्स, और इनके स्लाइवरी ग्लैंड्स की एक एबिलिटी ये है कि इनके अंदर नेचुरल एंटीकोगुलेंट सिक्रीशंस होती हैं. एंटीकोगुलेंट का मतलब होता है जो खून को जमने नहीं देती, वो वाली सिक्रीशंस हैं, वो केमिकल्स हैं जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देती, और ये भी सक कर लेते हैं blood from their prey. Some lampreys are not predatory in their feeding habit. For example, some genus of Lamptera are called brook lampreys. The larval stage of brook lampreys lasts for about 3 years. 3 साल के लिए larval stage ही रहती है, ये adult में बहुत थोड़े से time के लिए जाते हैं. And the adult neither feed nor leave their stream. Adult बिल्कुल एक सेसाइल सा, एक स्लगिश सा फॉर्म होता है. दे रिप्रोड्यूस सून आफ्टर मेटामॉर्फोसिस. जैसे ये मेटामॉर्फोसिस करते हैं, एडल्ट में जाते हैं, ये जल्दी डाई कर जाते हैं. सो दैट वाज समथिंग अबाउट लैम्प्रेज फीडिंग हैबिट एंड हाउ दियर body helps lampreys in their feeding. You have seen there. Then adult lampreys live in the oceans of the Great Lakes near the end of their lives. They migrate sometimes 100 miles ताकि ये spawning site तक पहुँच सकें. Spawning site क्या होती है, जहाँ पर ये एगोस्पर्म रिलीज कर सकें, स्पॉनिंग बेड तक पहुंच सके इन फ्रेश वाटर स्ट्रीम. वंस लैम्प्रेज रीच देयर स्पॉनिंग साइट, यूजली इन रिलेटिवली शेलो वाटर जो ज़्यादा गहरा नहीं होता, विद स्विफ्ट करंट्स और बड़ी स्मूथ करंट्स उसके अंदर आ रही होती हैं, ये तो ये एक नेस्ट सा घोंसला सा बनाना शुरू करती हैं लैम्प्रेज, और एक डिप्रेशन अपने सबस्ट्रेट के अंदर इसके साथ ये अटैच हो रही होती हैं उसमें बना रही होती हैं. जब नेस्ट बन जाता है तो फीमेल यूजुअली अपने आप को किसी स्टोन के साथ अपने माउथ के थ्रू अटैच कर लेती है, एंड द मेल यूजेस हिज माउथ टू अटैच टू फीमेल्स हेड एंड रैप्स हिज बॉडी अराउंड द फीमेल. एग्स आर शेड इन स्मॉल चैम्बर्स ओवर अ पीरियड ऑफ एग्स आर शेड इन स्मॉल बैचेस ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल आवर्स एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल. दे प्रोड्यूस रिलेटिवली स्टिकी एग्स, और जिनको फिर ये मड से कवर कर देते हैं. एग की जब हैचिंग होती है तो अप्रॉक्सीमेटली 3 वीक्स इसको चाहिए होते हैं, और जो लार्वा इनमें बनता है डेट इज कॉल्ड
मोनोसीट लार्वा। दैट एमोसीट लार्वा ड्रिफ्ट डाउन स्ट्रीम टू अ सॉफ्टर सबस्ट्रेट वेयर दे बरी देमसेल्व्स इन सैंड एंड मड एंड फिल्टर फीडर्स इन फैशन सिमिलर टू एम्फियोक्सस, जो आप पहले लार्वल फॉर्म पढ़ चुके हैं। जो ओमोसीट लार्वा या एमोसीट लार्वा ग्रोज फ्रॉम 7 मिलीमीटर टू अबाउट 6-17 सेंटीमीटर इन 3 to 7 ईयर्स। तो आप देखेंगे कि लार्वा का लाइफ स्पैन जो है 3 से 7 साल का है। बाद की डेवलपमेंटल स्टेजेस में लार्वा जब मेटामॉर्फोस करता है इन एडल्ट, तो ये वो थोड़े से टाइम के लिए, चंद मंथ का टाइम है। इसमें ये शक्कर लाइक बन जाता है, टीथ और टंग फीडिंग के लिए डिवेलप हो जाते हैं। लैम्प्रेज जो हैं वो अपना फिर माइग्रेशन शुरू कर देती हैं सी, ताकि वो अपनी लाइफ को एज प्रीडेटर गुजार सकें। एडल्ट रिटर्न ओनली वंस टू द हेड वाटर्स ऑफ देयर स्ट्रीम टू स्पॉन एंड डाई। एज शोन इन द फिगर, सो इन फ्रेश वाटर स्ट्रीम द एरोज आर शोइंग दैट वेन लैम्प्रेज आर इन देयर एडल्ट फॉर्म, सो ये दे आर फीडिंग ऑन इन ऑन अदर फिशेज, दिस आर द फ्रेंजल स्लेट्स एंड दे आर स्पेंडिंग देयर लाइफ एंड देन फॉर्मेटिंग, दे आर कमिंग टूवर्ड्स फ्रेश वाटर। मीटिंग के लिए इनको फ्रेश वाटर की तरफ आना होता है। तो एज यू हैव सीन दैट आफ्टर द स्पॉनिंग प्रोसेस वो बरी कर देते हैं एग्स को, और एग्स में से एमोसीट लार्वा जो है वो बाहर आ जाता है। और ये एमोसीट लार्वा जो है ये ज़्यादातर टाइम अपना ईयर्स ऑफ लाइफ स्पैन एज लार्वल फॉर्म ही गुजारता है, और फिर ये एडल्ट जो है उसमें चला जाता है एडल्ट फॉर्म में। और ये जो एडल्ट फॉर्म है इसको ये ओशन में जाके गुजारता है, और वहाँ पे ये प्रिडेशन कर रहा होता है। कंप्लीटली फुली टीथ वगैरह इसके जो है वो डिवेलप हो जाते हैं। एंड सो दैट वाज समथिंग अबाउट क्लास पेट्रोमाइजोन्टिमॉर्फा, या आप इसको पेट्रोमाइजोन्टिडा कह सकते हैं इन रीसेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें जाज नहीं है एज वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर, कि इसमें कोई जाज जो है वो प्रेजेंट नहीं होते।